अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं ताहिर कुदूस सरहदी तहसील करना से। आपको बताते चलें कि कोविड 19 का लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे आप जानते हैं कि पूरे कश्मीर के अंदर जो है कोविड 19 बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, वहीं अगर बात करें सरहदी तहसील करना की तो यहाँ पर भी जो है कोविड 19 के कई जो हैं केसेज सामने आए हुए हैं। परसों आपको बताते चलें कि नए 16 मुस्बत कोविड 19 के केस सामने आए, जिसके बाद करना की इंतजामिया ने जो पूरे करना को जो है रिस्ट्रिक्शन के अंदर रख दिया। आपको ये बताते चलें कि एसडीएम करना डॉक्टर बिलाल मईउद्दीन ने परसों एक आर्डर एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें ये वाजिया तौर पे लिखा गया था कि पूरा 21 से लेकर 28 तक यानी पूरे करना के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं। आप देख सकते हैं कोई भी नकलो हरकत जो है यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। कोई भी लोग या सोमों की बात की जाए या यहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या यहाँ के मार्केट की बात की जाए, टोटली जो है बंद है, टोटली रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्योंकि परसों जो है हाईएस्ट स्पाइक यहां पे आया, 16 लोग जो है मुस्बत पाए गए, उसके बाद करना इंतजामिया ने ये फैसला किया कि पूरे करना को जो है 28 तारीख तक जो है रिस्ट्रिक्शंस के दायरे के अंदर रखा जाएगा। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो करना के अंदर एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 16 को लेकर जो है 16 जो पॉजिटिव केस आए, उसके बाद जो है इस वक्त 43 यानी 43 केस जो है इस वक्त प्रेजेंट मौजूद हैं। और लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन की यही दरख्वास्त है कि लोग जो हैं वो एहतियात करें, अपने घरों के अंदर रहें, अननेसेसरी किसी ऐसी जगह का विजिट ना करें जहाँ पे क्राउड हो, ऐसी जगह या मार्केट के अंदर ना जाएं या अननेसेसरी हॉस्पिटल के अंदर ना जाएं, क्योंकि कोविड 19 जो है ये जो है इस वक्त बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन जो है कश्मीर के अंदर अपना चुका है। और लोगों से ये निवेदन है कि अपने घरों के अंदर बैठें ताकि वो खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें और अपने अड़ोस पड़ोस को भी जो है वो सेफ रखें। लॉकडाउन है, ये लोगों की सेफ्टी के लिए है, तो लोग भी इसमें कोऑपरेशन करते हैं। जी जी। हमारा आपने देखा होगा सड़कें भी बंद है, गाड़ियां नहीं चलती हैं, लोग भी मूवमेंट नहीं करते हैं, उनकी अच्छी कोऑपरेशन हमारे साथ है। तो इस मौके पे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को हमने ये पैगाम देना है कि वो अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस कायम रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और फजूल उधर इधर ना जाएं। जब जरूरत पड़े मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमें कॉल करें, हम उनको प्रोवाइड करेंगे मदद। नंबर हमें आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है सर, जिसमें लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लोगों के पास हमारे नंबरों से मेरे पर्सनल नंबर भी, हमारे नायब साहब के भी है, एसडीएम साहब के भी है, मजिस्ट्रेट्स के नंबर हमने उनको दे दिए। जी, लोगों के पास है, नंबरदारों के पास है, सरपंचों के पास है, आवाम के पास हमारे नंबर लगे हुए हैं। जी जी। और जब भी हमें कॉल आती है हम रिएक्ट करते हैं उस वक्त। शुक्रिया सर।